वैसे तो इन दिनों हर तरफ लॉकडाउन का माहौल है, ऐसे में लोग काफ़ी कुकिंग्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी घर में खाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे नए चेहरे भी यानी कि जो नए लोग हैं वह भी अपना कुकिंग में हाथ आजमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बात को लेके कि वह भी अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा खाना पकाते हुए दिखाई दें। इस बीच खाना पकाते पकाते उनका कहीं ना कहीं हाथ जल जाता है, या फिर कुछ ऐसे, या फिर पूजा पाठ के समय अगर आपका हाथ बाई चांस जल जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर बाई चांस आपका हाथ जल जाए तो सबसे पहले करें ये काम जिसके चलते आपके हाथ पे छाले ना बन सके। हम आपको बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लाते रहते हैं। आपको बताएं दोस्तों कि जल जाने पर हमको सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जल जहाँ आप जिस जगह आपके जलन हो रही है, जहाँ पे आप जल चुके हैं, वहाँ पे आप अगर आपके घर में केला मौजूद है तो केले को मसल कर एकदम पिचनी कर लीजिए, यानी उसको एकदम पतला बारीक कर लीजिए। उसके बाद उसको जहाँ पर आपका जला हुआ हाथ या फिर जहाँ पर जला हुआ चेहरा या जो भी जगह है जहाँ पर आप जल चुके हैं उस पर लगा लीजिए। उससे होगा ये कि वहाँ पर छाला नहीं बन पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से कुछ लोगों के जो छाले बन जाते हैं उससे काफ़ी दाग भी बन जाते हैं, वही दाग आपको आगे परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसी परेशानी का सामना अभी से आप कर सकते हैं इस प्रकार से कि जले हुए स्थान पर आप केले को मसल कर लगा लें अच्छे तरीके से, जिससे कि वह छाला ना बन सके। और साथ साथ आप दिल खोल के कुकिंग कर सकते हैं, इस बात को लेके कि अगर आपके बाई चांस जल भी जाते हैं तो उसमें आपका दाग बनने का चांस नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।